दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में केंद्र सरकार पर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ है केंद्र सरकार की लड़ाई। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी नेताओं पर दर्ज किए गए 169 केस में एक में भी किसी को अब तक नहीं हुई सजा, 135 में आरोपी हुए बरी, 34 केस हैं पेंडिंग। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई कार्रवाई का दिया हवाला, कहा तीन सुनवाई में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जज मांगने पर भी पेश नहीं किए जा सके सबूत। केजरीवाल ने कसा तंज, 145 करोड़ घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया के लॉकर में सीबीआई को मनीष के बेटे का झुंझुना मिला। बैंक में गए, इन्होंने सोचा लॉकर में होगा, तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था, वो झुंझुना मिला इनको। केजरीवाल ने कहा अब अमानतुल्ला को पकड़ा गया, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, बाद में सहयोगी के घर से बरामदगी का होगा षड्यंत्र। अमानतुल्ला खान से आज एसीबी करेगी पूछताछ, 4 दिन की एसीबी कस्टडी में आप विधायक। अमानतुल्ला पर है वक्फ बोर्ड भर्ती में घोटाले का आरोप, एक करीबी सहयोगी भी हुआ है गिरफ्तार। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 40 आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने की हो रही कोशिश, आप नहीं छोड़ने पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अमानतुल्ला जैसे लोगों को केस की दी जा रही धमकी। केजरीवाल के मुताबिक अगला नंबर कैलाश गहलोत का, रेड की तैयारी। केजरीवाल ने बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, कहा पंजाब में आप विधायकों को 25-25 करोड़ का दिया गया था ऑफर। केजरीवाल का आरोप, पूरे देश में बीजेपी ने 285 विधायकों को खरीदा, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए किया, कहां से आया इतना पैसा, फिर भी लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाई जाती दहाड़। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी नेता 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लें तो केंद्र और बीजेपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन में दिल्ली के सीएम मिशन से जुड़ने के लिए जारी किया मिस्ड कॉल नंबर। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल की अलपुजा निकली, भारत जोड़ो यात्रा केरल में तय करेगी 450 किलोमीटर का सफर। मोहाली के पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा पर हॉस्टल में दूसरी छात्राओं का एमएमएस बनाने का आरोप, नहाते वक्त छिपकर छात्राओं का बनाया वीडियो, बरपा हंगामा। हॉस्टल प्रशासन ने आरोपी लड़की से पूछताछ की, लड़की ने शूट किए एमएमएस के एक लड़के को भेजने की बात कबूली, यह भी कहा लड़के को पहले से जानती नहीं थी। पुलिस ने आरोपी छात्रा को किया अरेस्ट, तफ्तीश में जुटा साइबर क्राइम ब्रांच। इस दौरान हॉस्टल की एक छात्रा की सेहत बिगड़ने की खबरें, बेहोशी की हालत में छात्रा को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया अस्पताल, पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान छात्रा के बेहोश होने की कही बात। महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी भी जांच के लिए पहुंची, पुलिस ने पीड़ित 8 छात्राओं की खुदकुशी की कोशिश को बताया अफवाह, कहा वायरल एमएमएस आरोपी लड़की का ही है, किसको भेजा था इसकी हो रही जांच। को 10 दिन के अंदर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दे, हमें वेट करनी पड़ेगी जब तक इसकी, मैंने ऑर्डर कर दी एसएसपी साहब को कि 10 दिन के अंदर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दे। मोहाली एमएमएस कांड में छात्रावास की एक लड़की का दावा, आरोपी छात्रा ने 50 से 60 छात्राओं का एमएमएस बनाया। हमारे शॉर्ट्स कहाँ आ गए, उसमें कि हम शॉर्ट्स पहन के घूमते, इसलिए बहुत अट्रैक्ट होता है। वॉशरूम की बात हुई है ना, अब कि ऐसे तो है नहीं किसी लड़के ने किसी का रेप कर दिया हो, नई बात हुई ना, हमारे कपड़ों पे बोल रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं तो हमारी कुछ सुन नहीं रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ट्वीट, बेटियां हमारी शान, मोहाली एमएमएस कांड की उच्च स्तरीय जांच होगी, दोषियों को दी जाएगी सजा। मोहाली एमएमएस कांड पंजाब के मंत्री का बयान, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। वो भी दोषी हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जांच के भी आदेश दिए गए हैं, जहां भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में योगी सरकार पर बड़ा दाग, बदायूं में लखीमपुर जैसी घटना, नाबालिग लड़की का कत्ल, रेप की भी आशंका। बदायूं में रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में मिली मासूम लड़की की लाश, घर से पकौड़े लेने निकली थी लड़की, परिजनों का आरोप, अगवा कर मासूम से किया गया बलात्कार, बाद में पहचान छिपाने के लिए दरिंदों ने किया कत्ल, पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल। पुलिस ने कराया मासूम के शव का पोस्टमार्टम, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम है तो जनपद बदायूं भेजा गया है, परिजनों को शिनाख्त के लिए भेजा गया है थाना फैजगंज बेटा। यूपी के कानपुर में भी नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित। कानपुर में रेप के आरोपियों ने केस वापस लेने के लिए पीड़िता पर बनाया दबाव, घर जाकर अपहरण की दी धमकी।
लखीमपुर रेप कांड को लेकर एक्शन में योगी सरकार, एसआईटी का गठन। लखीमपुर रेप कांड के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, प्रॉपर्टी पे होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी। लखीमपुर कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान, लखीमपुर बलात्कार कांड के मुसलमान आरोपियों को चौराहे पर पत्थर मारने की दी जाए सजा। यूपी के चित्रकूट में भी 2 दिन पहले एक लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप किए जाने का लगा आरोप, परिजनों के मुताबिक लड़की के शरीर पर दांतों के गहरे जख्म के हैं निशान। यूपी के हमीरपुर में भी एक लड़की को सोते समय अगवा कर गैंगरेप का लगा आरोप, पीड़िता को दिल्ली ले आए थे आरोपी, पुलिस ने करीब 1.5 महीने बाद किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के मुताबिक गांव के ही परिचित 5 आरोपियों ने पार की दरिंदगी की सारी हदें, हाथ पर खौलता पानी डालकर जलाया। पिता ने 5 आरोपियों का गिनाया नाम, लेकिन पुलिस सिर्फ 3 आरोपियों को पकड़ पाई। 5 लोग हैं। कैसी लड़की आपको मिली? लड़की पुलिस द्वारा मिली, मतलब 1-4 दिन बाद। लखनऊ में मदरसा सर्वे को लेकर दारुल उलूम की हुई बैठक, सर्वे के पक्ष में बनी राय। दारुल उलूम की बैठक में कहा गया सर्वे करना सरकार का अधिकार, सरकार को मदरसों पर होनी चाहिए सही जानकारी। पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है हमें कोई शक नहीं है। ठीक, आज सोलन के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर मंथन मुमकिन। यूपी में सोमवार से मॉनसून सत्र, आज होगी सर्वदलीय बैठक। हाई प्रोफाइल सोनाली फोगाट केस में सीबीआई की कई टीमों ने शुरू की जांच, गोवा में 9 घंटे तक चली जांच। सीबीआई टीमों ने कई अहम सबूत जमा किए, सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के कमरे का कोना कोना खंगाला। सबसे अहम जांच ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में, यही ठहरे थे सोनाली और सुधीर। रिजॉर्ट के कमरों में सीबीआई की एफएसएल टीम ने की जांच, सुधीर के कमरे की हुई वीडियोग्राफी। रिजॉर्ट के स्टाफ के बयान भी दर्ज किए गए, करलीस क्लब में भी हुई जांच।